जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा अभी अभी न्यू नोटिस न्यू सूचना जारी कर दिया गया है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जेपी विश्वविद्यालय के लिए एक एक नई न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जेपी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आज जारी होगा एडमिट कार्ड। जी हाँ, एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का आज जारी होगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा वाला। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मंगलवार को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए पूर्व में ही परीक्षा तिथि व सेंटर लिस्ट जारी कर लिस्ट जो है जारी किया जा चुका है। परीक्षा नियंत्रक प्रो अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 26 को होने वाली प्रवेश परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा में कुल 200 अंक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से दो पेपर शामिल हैं। ठीक है, छात्रों से 10वीं कक्षा से लेकर पीजी स्तर तक के प्रश्न विभिन्न विषयों से पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 100 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 100 अंकों के होंगे, ये ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों चैनल पर न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय से जुड़ी पल पल की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल मौर्य गुरु अकेडमी पर सभी जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ दी जाती है, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों जिसमें दो दो अंक के कुल 50 प्रश्न शामिल होंगे। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन व छात्रों की रिसर्च क्षमता पर आधारित होगा। जेपीयू में पीजी की पढ़ाई में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अर्थ, जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, गणित व जियोलॉजी शामिल हैं। इन्हीं विषयों में से पीएचडी टेस्ट के दूसरे पत्र में 100 अंक के प्रश्न पत्र शामिल होंगे। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए गए 4 केंद्र प्रवेश परीक्षा के लिए जेपीयू कैंपस स्थित सोशल साइंस ब्लॉक, राजेंद्र कॉलेज, जगदम कॉलेज व गंगा सिंह कॉलेज छपरा को केंद्र बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश परीक्षा की अवधि कुल 3 घंटे की होगी, ध्यान रखें प्रवेश परीक्षा जो है आप लोगों का 3 घंटे का होगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जिसमें फर्स्ट पेपर सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक होगा, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सेकेंड पेपर दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा। ठीक है, 2 घंटे तक का दोपहर का पेपर होगा और सुबह का पेपर 1 घंटे का। परीक्षा में कुल 2277 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों देखिए 2277 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं बाकी स्टूडेंट्स की, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड, चाहे आप जेपी विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के हो या पार्ट 2 के हो, पार्ट 3 के हो, सभी जानकारी प्रूफ के साथ लाइव प्रूफ हमारे चैनल मौर्य गुरु अकेडमी पर दिया जाए। दोस्तों यहां पर देखिए, गोपेश्वर कॉलेज हथवा के खेल मैदान में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेहरू युवा, जी हाँ दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में फुटबॉल, वॉलीबॉल, जी हाँ दोस्तों, वॉलीबॉल, कबड्डी और 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी जानकारी पाने के लिए, सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 19-22 के स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर सवाल कर रहे हैं। रिजल्ट आप लोगों का जो है बहुत जल्द जारी होगा वेबसाइट पर, चिंता मत करिए, कुछ दिन और इंतजार करिए। वहीं पर बात कर लेते हैं 2021 और 24 के छात्र जो फर्स्ट ईयर के हैं पार्ट 1 के, वो भी लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। एग्जाम फॉर्म की बात करें तो एग्जाम फॉर्म में अभी टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। वहीं पर बात कर लेते हैं 2020 और 23 के स्टूडेंट्स जो सेशन 2020-23 के हैं, उनको भी अभी इंतजार करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इन्फॉर्मेशन जो है अभी कोई भी आया नहीं है जेपी विश्वविद्यालय की तरफ से, जैसे ही आएगा हम आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं 18-21 के छात्रों की, तो 18-21 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म और परीक्षा इसी साल में कंप्लीट होगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म का भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक जो है नोटिस विश्वविद्यालय की तरफ से जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल मौर्य गुरु अकेडमी के माध्यम से। बाकी बात कर लेते हैं बीएड के स्टूडेंट्स हैं या यूजी पीजी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी सेशन के, आप लोग चिंता ना करें, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर आपका कोई
सवाल हो तो अपने आप लोग नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सभी जानकारी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय वंदे मातरम।